आज हम बनाने जा रहे हैं मटन माहेखालिया। इसके लिए हमें चाहिए हाफ के जी मटन बॉइल्ड, हाफ कप पीनट्स भूनकर छिला हुआ, हाफ कप कोकोनट भुना हुआ, थ्री टीस्पून तिल भुनी हुई, हाफ कप टैमरिंड भीगी हुई, तिल कोकोनट और पीनट्स, ये तीनों चीज़ें हमें ग्राइंड करनी है। हम तेल लेंगे एक दो और तीन, तीन बड़े चम्मच ऑयल, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राय और दो सूखी लाल मिर्च, थोड़े करी लीव्स। इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, ऐड करेंगे एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक एक टीस्पून, हम हमारा पिसा हुआ मसाला डालेंगे जो पहले हमने पीसा था, इमली का पानी डालेंगे, थोड़ा और पानी मैंने डाला इमली में, ये भी पानी इसमें डाल दूंगी और स्क्वीज कर लूंगी इमली को। अब मैं थोड़े करी लीव्स डाल रही हूँ और दो टेबलस्पून हरा धनिया, उसको हिला लूँगी। मसाले को पका लिया है, 5-10 मिनट पका लिया है, अभी हाफ टी स्पून नमक डालूंगी, थोड़ा कम लग रहा है। अभी मैं इसमें बॉइल्ड मटन डाल दूंगी, उसको हिलाकर 15 मिनट्स तक सिम पे रखना है। इसको 15 मिनट्स तक सिम पर रखना है। मैं 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं ढक्कन निकाल रही हूँ, अब मैं इसको डिश आउट करूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।